Hello everyone, this is your teacher Poonam, and once again you're welcome in your online classes. Students, we have been doing lesson number 12 polite words in English grammar book. Today we are going to do its practice exercise on page number 70. So, open your book, page number 70. Uh, read about each of these situations. Answer the क्वेश्चन स्टूडेंट्स इस, इस एक्सरसाइज में आपको सिचुएशंस दी गई हैं आपको इन सिचुएशंस को रीड करना है और फिर जो आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं उनके आंसर करने हैं यहाँ पर आपको फर्स्ट सिचुएशन दी है त्रिशा इज विथ हर फ्रेंड्स सडनली ही स्नीज शुड शी से त्रिशा अपनी फ्रेंड्स के साथ है और अचानक से वो छीक देती है तो उसको क्या कहना चाहिए तो हमने ऑलरेडी uh, रीड किया कि हम अचानक से कभी छीक देते हैं तो हमको कहना चाहिए एक्सक्यूज मी प्लीज क्या कहना चाहिए यस एक्सक्यूज मी प्लीज एक्सक्यूज मी प्लीज यहां पर सेकेंड सिचुएशन है टीना वॉन्ट्स समर एंड ऑफ टेबल वॉट शुड शी से अब इस सिचुएशन में आपसे पूछा है कि एक लड़की है टीना और उसको कुछ पुडिंग चाहिए और वो टेबल के दूसरे कॉर्नर पे है दूर है उससे तो उसको क्या कहना चाहिए शी शुड से प्लीज क्या कहना चाहिए उसको प्लीज ओके okay, तो सेकेंड में आप लिखेंगे प्लीज नेक्स्ट है तुपुर गिव्स अ पेंसिल टू राहुल वॉट शुड ही से इस सिचुएशन में आपसे पूछा है कि तुपुर राहुल को एक पेंसिल देती है तो उसको क्या कहना चाहिए राहुल को क्या कहना चाहिए यस yes, वो बोलेगा थैंक यू तो हम लिखेंगे द थैंक यू ओके नेक्स्ट नेक्स्ट बी एक्सरसाइज इज राइट द सुटेबल पोलाइट वर्ड अगेंस्ट ईच सिचुएशन यूज वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स अब इस एक्सरसाइज में भी आपको अलग अलग सिचुएशन दी हैं और साथ में यहां दिया है हेल्प बॉक्स इन सिचुएशन को आपको रीड करना है और जो भी पोलाइट वर्ड इसके लिए करेक्ट है आपको इस बॉक्स में फिलअप करना है देखिए फर्स्ट सिचुएशन आपको दी है यू विश टू बोरो पेन आप एक पेन उधार लेना चाहते हैं तो क्या बोलेंगे आप Yes, आप बोलेंगे प्लीज ओके सेकेंड सिचुएशन आपको दी है यू वॉन्ट टू लीव द रूम एंड द पैसेज इज ब्लॉक्ड बाय समन अब आप रूम को छोड़ना चाहते हैं रूम में से बाहर जाना चाहते हैं लेकिन जो बीच का रास्ता है पैसेज है वो किसी ने ब्लॉक कर रखा है मींस वहां पर कोई खड़ा है तो आप चाहते हैं कि जो भी खड़ा है वो आपको थोड़ा सा रास्ता दे वहां से मूव हो जाए तो आप क्या कहेंगे आप कहेंगे एक्सक्यूज मी प्लीज ओके नेक्स्ट देखिए यू वांट टू इंटरप्ट समवन एंड से समथिंग इस सिचुएशन में आपको दिया है कि आप किसी को इंटरप्ट कर रहे हैं और आप अपनी बात कहना चाहते हैं आप उससे कुछ कहना चाहते हैं तो आप क्या कहेंगे यस yes, आपको अगेन कहना पड़ेगा एक्सक्यूज मी प्लीज ओके नाउ कम टू नेक्स्ट पेज नेक्स्ट सिचुएशन आपको दी है योर फ्रेंड गिव्स यू समॉफीज आपका फ्रेंड आपको कुछ टॉफीज देता है तो क्या कहेंगे आप यस थैंक यू नेक्स्ट इज समवन थैंक्स यू फॉर समथिंग कोई आपको किसी चीज के लिए थैंक यू कहता है तो आप बदले में क्या कहेंगे आप कहेंगे यू आर वेलकम नेक्स्ट इज यू ड्रॉप योर बैग ऑन समवन बाय मिस्टेक नेक्स्ट सिचुएशन है आपका बैग किसी पर गलती से गिर जाता है तो आप क्या कहेंगे सॉरी कहेंगे आप नेक्स्ट वाइल डाइनिंग यू वॉन्ट द टेबल सॉल्ट आप खाना खा रहे हैं और आपको नमक की जरूरत है टेबल पे तो आप क्या कहेंगे प्लीज कहेंगे आप नेक्स्ट यू डिडंट अंडरस्टैंड समथिंग एंड वॉन्ट द टीचर टू रिपीट वॉट शी सेड इस सिचुएशन में आपसे पूछा है कि आपकी टीचर आपको आ, कुछ बता रही हैं और आपके वो समझ में नहीं आया तो आप चाहते हैं कि वो टीचर आपके लिए उस चीज को रिपीट करें तो आप क्या कहेंगे यस yes, आप टीचर से कहेंगे एक्सक्यूज मी ओके नेक्स्ट योर फ्रेंड गिव्स यू हिज और हर क्लास नोट्स आपकी फ्रेंड ने आपको क्लास नोट्स दिए हैं तो आप क्या कहेंगे यस yes, आप कहेंगे थैंक यू डाइनिंग टेबल यू बब आप डाइनिंग टेबल पे डकार लेते हैं तो आप क्या कहेंगे आप कहेंगे एक्सक्यूज मी प्लीज ओके स्टूडेंट्स एक्सरसाइज बी कम्प्लीटेड नेक्स्ट इज एक्सरसाइज सी इन एक्सरसाइज सी फाइन दीज पोलाइट वर्ड्स इन द ग्रिड स्टूडेंट्स एक्सरसाइज सी में ही आपको ग्रिड डी है और यहां दिए हैं पोलाइट वर्ड्स तो आपको इस ग्रिड में ये पोलाइट वर्ड्स ढूंढने हैं देखिए जैसे मैंने यहाँ पे सॉरी ढूंढा है ये इधर वेलकम है ये तो, तो बाकी के जो थ्री पोलाइट वर्ड्स हैं आप उनको खुद ढूंढिए ओके तो आई होप यू लाइक एंड अंडरस्टूड दिस वीडियो तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए